Hello everyone. Welcome to my channel Physics Spark. Live in the moment. Myself Dr. Minakshi. You can contact me at physicsbasic two zero two zero at the com. Feel free to contact me. Computer programming कि बुक में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था तो जस्ट एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं द नंबर सिस्टम विच कंटेन्स ओनली टू डिजिट्स जीरो एंड वन इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड इट्स बेस इज टू तो वो डिजिट नंबर वो नंबर सिस्टम जिसमें दो ही डिजिट्स काउंट करते हैं जीरो और वन और इन दोनों को हम क्या कहते हैं बिट्स तो उस नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं इसका बेस क्या होता है टू होता है और नंबर सिस्टम दैट यूनिक डिजिट्स कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इट्स इज टेन तो वो टेन डिजिट्स कौन से होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वो हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट चीज है वो है कन्वर्जन तो तीन तरह के कन्वर्जन हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड देन फोर होल इंटीजर्स एंड फोर डेसिमल फ्रिक्शन तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो सिंपलेस्ट वन है दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम तो ये जो नंबर है हमारे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गए हमारे पास डेसिमल नंबर और इनको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर से तो शुरू करते हैं तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है पहला जो क्वेश्चन है वो है टू डिजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम टू डिजिट नंबर ट्वेंटी सिक्स अब ये जो है ये हमारे पास डेसिमल नंबर है ये हमें पता कैसे चलेगा कि डेसिमल नंबर है तो अगर हम इसके नीचे यहां पर इसका बेस टेन है तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है बेस टू क्लियर अब यहाँ पे ये जो नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह तो वो सारे के सारे डिजिट्स किस में आएंगे हमारे पास जीरो और वन में लेकिन कैसे आएंगे वो हम अभी देखते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स को लिखेंगे अब हमें इसको कन्वर्ट करना है टू में तो जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको हमें टू से डिवाइड करना है इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे यहाँ से हम टू से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगा के हम इस तरफ लिखेंगे रिमाइंडर तो जब हम किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट भी हो सकता है और कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है अब अगर हमें टू से इसको डिवाइड करना है तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे टू वन जीरो टू, टू सिक्स तो ये हो गया थर्टीन और रिमाइंडर यहां पे क्या हो गया जीरो जीरो हो गया क्योंकि एग्जैक्टली इससे डिवाइड हो रहा है अब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे टू से ये तब तक करेंगे जब तक हमारे पास लीस्ट डिविजन नंबर ना आ जाए तो यहां पे हम दो चीजें देखते हैं पहले इसको कर लेते हैं अब अगर हम इसको करेंगे तो क्या होता है सिक्स टू सा ट्वेल्व तो यहां पर क्या आएगा सिक्स अगर हम इसको सिक्स से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा वन फर्दर अगर हम इसको टू से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो फिर अगर हम इसको टू से करेंगे तो ये आ जाएगा वन और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा वन अब अगर हमारे पास लास्ट में अगर हम इसको करते हैं टू से तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा नहीं और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा वन अब जो रिमाइंडर आया है हमारे पास इस रिमाइंडर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स दैट इज वन वन जीरो वन जीरो क्लियर फर्स्ट दिस नंबर वन देन जीरोन वन देन जीरो तो जो रिमाइंडर आया है उसको रिवर्स से लिखना शुरू करेंगे सो दिस इज दन्वर्जेंट ऑफ ट्वेंटी सिक्स दट इज ट्वेंटी सिक्स बेस टेन इज इक्वल टू वन वन जीरो वन जीरो बेस टू दैट मीन्स कि ये जो है आपका ये आपका डेसिमल नंबर है और ये जो है ये आपका बाइनरी नंबर है क्लियर ये हो गया आपका डेसिमल नंबर और ये आपका बाइनरी नंबर क्लियर आई थिंक कन्वर्जन आपको क्लियर होगी एक और एग्जांपल हम लेते हैं अब हम बात करते हैं थ्री डिजिट नंबर की वन टू वन बेस टेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस टू क्लियर सिमिलरली हम इसको ऐसे ही करेंगे वन टू वन को ले लेंगे इसको हम टू से डिवाइड करेंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर कि जो भी रिमाइंडर हमारे पास आएगा अब हमने इसको टू से किया यहाँ पे आ गया सिक्सटी रिमाइंडर आ गया हमारे पास वन फिर से हम इसको करेंगे रिमाइंडर हमारे पास आ गया वन फिर से हम इसको करेंगे ये आ गया हमारे पास थर्टी रिमाइंडर हमारे पास आया जीरो अगेन डिवाइडेड बाय टू फिफ्टीन जीरो टू सेवन वन देन टू थ्री 1 then two, one, one, and at last that is 0 and 1 so here binary convert number is one, 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 zero, zero, 1 base 2 it is वन 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 जीरो जीरो वन तो कंप्यूटर में जब भी आप वन ट्वेंटी वन को लिखते हो तो वो पहले क्या करता है उसको इस टर्म में कन्वर्ट करता है फिर वो उसको वन टू वन लिखता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डेसिमल नंबर है उसके नीचे आपको बेस टेन जरूर लिखना है और जो बाइनरी नंबर है उसके नीचे बेस आपको टू जरूर लिखना है आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बाइनरी कन्वर्जन जो कि मैं आपको बता रही हूं कि हम डेसिमल से बाइनरी में करेंगे बाइनरी से डेसिमल में करेंगे पॉइंट्स के साथ भी करेंगे पॉइंट्स के साथ वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट थ्री क्लियर है इसको ये है आपके पास बेस टेन में तो इसको हम बेस टू में भी कन्वर्ट करेंगे वाइस वर्सा भी है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास और पेपर में अगर हम बात करते हैं तो थ्री टू फाइव मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इसमें से जरूर आता है अब कुछ क्वेश्चंस जो है आप अपना ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को इनका आंसर देना या आप मेरे को मेल पे भी इनका आंसर दे सकते हैं दैट इज वन 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 टू फाइव सेवन वन थ्री एट फाइव एंड यू हैव टू कन्वर्ट डेम इंटू बाइंड नंबर आप इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो और फिजिक्स बेसिक टू जीरो टू जीरो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी आप इसका रिप्लाई मेरे को कर सकते हो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे बाइंड्री नंबर्स में विद पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे बाइंड्री नंबर में। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल Thank you very much for watching this video.